हेलो फ्रेंड्स, ऐसे में सर फूड ब्लॉग में वेलकम है आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। आज की मेरी रेसिपी है फटे दूध से रिलेटेड। घर में अक्सर दूध फट ही जाता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी रेसिपी बनाए उसकी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फटे दूध से मिल्क केक। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज हम अपनी रेसिपी कैसे बनाते हैं और किस किस ट्रिक से बनाते हैं। एकदम हलवाई स्टाइल का हम बनाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिए हैं 1 लीटर, ये हमारा दूध है, दूध हमारा फट गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर इसकी अलग है और पानी इसकी अलग है। आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक हम बाउल लिए हैं, इसी पे हम छन्नी रखे हैं और इसी जाल के ऊपर एक हल्का सा हम कपड़ा रख लिए हैं। आप चाहो तो इसमें हैंकी भी रख सकते हैं, कॉटन की हैंकी। अब इसी पर हम अपना थोड़ा थोड़ा डालेंगे दूध जो हमारा फटा है, इसको डाल के हम एक स्पून से इसको चलाते ही रहेंगे कि पनीर हमारा अलग हो जाए और पानी छन जाए। आज हम जिस ट्रिक से बताएंगे फ्रेंड्स, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी मिल्क केक बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, एकदम हलवाई स्टाइल का बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को मैंने छान लिया है, इसको निचोड़ लिया है हाथों से और पानी हमारा अलग हो चुका है। इसको हम ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट बैच में छान के निचोड़ लिया है ऐसे हम सेकंड बैच भी इसी तरीके से छान के इसको निचोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमारा पनीर का पानी निकला है। पानी हम अलग कर दिए हैं, पनीर हम अलग कर दिए हैं, ये हमारा पनीर है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से पनीर अलग हो चुका है और इतना हमारा पानी है। ये है हमारा चीनी, चीनी हमारा आधा कटोरी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी हरी इलायची है, इसको मैंने कूट लिया है, दो हमारी इलायची है और ये हमारा किशमिश है, आप चाहो तो और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये है हमारा दूध, ये दूध हमारा उबाला है, नॉर्मल टेम्परेचर है इस समय। इतनी हमारी सामग्री है, इसको हम अलग रख लेते हैं। यहाँ पर हमें मिठाई का डिब्बा लिए हैं, इस मिठाई के डिब्बे में आप चाहो तो थाली या किस्ती में जमने के लिए मिल्क केक में घी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा आधा चम्मच घी है, इसी डिब्बे में हम लगा लेंगे मिठाई के डिब्बे में घी। स्पून से इसको अच्छे से लगा लेंगे, इसको लगाने से बहुत अच्छा मिल्क केक बनेगा, आसानी से निकल भी आएगा। और इसी पे हम बटर पेपर भी लगा दिए हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लिए हैं, एक कढ़ाई में रखें, कढ़ाई हमारी लोहे की है और इसमें भी हम थोड़ा सा घी लगा दिए हैं कि अच्छे से हमारा बन जाए मिल्क केक। और जो हमारा दूध था, दूध हम इसमें डाल के इसको भी पका लेंगे, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा कर लेंगे दूध को अपने। जब भी घर में दूध फट जाए फ्रेंड्स, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा मिल्क केक बनेगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतना अच्छा ही मिल्क केक आज हमारा बनेगा। ये हमारी पनीर है, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हम अपना पनीर भी डाल देंगे। स्पून से सारा इसी में डाल देंगे बाउल से, इसी में एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इतना अच्छा हमारा मिल्क केक बनेगा, लेकिन फ्रेंड्स इतना अच्छा हमारा मिल्क केक बना है। इसको देखने से कोई ये नहीं कहेगा कि बाज़ार से नहीं लाया गया है, एकदम हलवाई स्टाइल में बना है मिल्क केक, इतना टेस्टी इतना अच्छा बना है। इसी में हम डाल दिए हैं हरी इलायची जो हमारा कूटा था, उसको भी इसी मिल्क केक में डाल के मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें बराबर ही चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा, नीचे से पकड़ने के बाद में अच्छा नहीं बनेगा। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही किए हैं, इसको बराबर चलाते ही रहेंगे। एक इसी कच्ची से हम इसको मैश करेंगे, ज़्यादा हमारा ये मैश नहीं होगा, मिल्क केक हल्का दानेदार ही रहता है। इसको हम इसे बराबर चला लेंगे फ्रेंड्स, और दानेदार ही अच्छा लगता है मिल्क केक। फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारी चीनी थी आधा कटोरी, इसको भी इसी में हम डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको इसी अच्छे से हम इसको मैश करते ही रहेंगे कि चीनी हमारा अच्छे से पनीर में मिल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा बबल्स आने लगा है और अच्छे से चीनी मिक्स भी हो चुका है। अब इसको हम ऐसे ही चलाते ही रहेंगे कि नीचे से हमारा पकड़े ना और मिल्क केक हमारा अच्छा बन जाए। और बहुत ही अच्छा ये हमारा मिल्क केक आज बनेगा फ्रेंड्स।
जब भी आपका दूध फट जाए तो परेशान मत होइए, एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अगर आप एक बार इस मिल्क केक को बना लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, एक कटोरी में हम इसको रख लिए हैं। अब इसका ये देखेंगे बॉल की तरह, अगर ये बन जाएगा तो समझ लो परफेक्ट हमारा जमने के लिए हो चुका है मिल्क केक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बॉल की तरह बन रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब परफेक्ट हमारा हो चुका है मिल्क केक, बन चुका है। अब इसी हम डिब्बे में इसमें हम बटर पेपर भी लगा लिए थे और इस पर भी हम तेल लगा लिए हैं। इसमें हम किशमिश डाल देंगे, किशमिश मैंने काट कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसी में हम जमने के लिए रख देंगे मिल्क केक अपना। अब इसी कच्चे से सारा मिल्क केक हम निकाल लिए हैं। एक स्पून लेके इसको हम इसी स्पून से प्रेस कर लेंगे और इसी में सेट कर लेंगे। इसी तरीके से पूरा मैंने सेट कर लिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख लेंगे। आप चाहो तो फ्रिज में रख दीजिए या पंखे में इसको रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस मिल्क केक को हम आधे घंटे के बाद में इसको काट लेंगे फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छे से परफेक्ट हमारा ये जम चुका है। एक नाइफ लिए हैं, इसको हम चारों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे कि अच्छे से ये निकल आए पूरा मिल्क केक हमारा। और आप चाहो तो इसको मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हो। जैसा इस डिब्बे को हम सबसे पहले पलट लेंगे, हाथों से इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा हमारा ये बन चुका है, इतना अच्छा हमारा ये बना है मिल्क केक। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा हमारा बनेगा। अब इसको बटर पेपर को हम धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे। आसानी से घी लगाने से निकल जाता है बटर पेपर। ये हमारा बटर पेपर पूरा ठीक से निकल गया है फ्रेंड्स। इतना ही अच्छा ये बना है, एकदम हलवाई स्टाइल का। आप इस मिल्क केक को चाहे तो व्रत में बना के खा सकते हैं फ्रेंड्स। आपको अगर सफर में जाना है फिर भी आप इसको बना के ले जा सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसको बना के दे सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा लगा इसे बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अब इसको हम कट कर लेंगे एम नाइफ लेके फ्रेंड्स। ये देखिए हम इसको कट कर रहे हैं। आप अपने मन चाहे पीसेस में इसको काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। आज हम ना बहुत बड़ा काटेंगे ना बहुत छोटा काटेंगे, मीडियम ही कट करेंगे इसको मिल्क केक को अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिल्क केक हमारा कट गया है। देखने में इसकी लुक ही कितना ज़्यादा अच्छा है। देखने में इतना ज़्यादा अच्छा है तो खाने में कितना ज़्यादा ही टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स। कितना ज़्यादा अच्छा बना है ये। फटे दूध से 3-4 रेसिपी हम बना चुके हैं। फटे दूध के रिलेटेड 3-4 रेसिपी इतना अच्छा हमारा बना है फ्रेंड्स। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि फटे दूध का इतना ज़्यादा टेस्टी मिठाई हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स। इतना टेस्टी बना है, इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे मिल्क केक को अपने। फटे हुए दूध से बहुत सारी रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स। आप छेना बना सकते हैं, फटे हुए दूध से कलाकंद बना सकते हैं, मिल्क केक बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं। एक हम आपको तोड़ के दिखाते हैं फ्रेंड्स, इतना ये मुलायम है, तोड़ने से तुरंत ही टूट भी जाता है। इतना अच्छा ये बना है फ्रेंड्स, खाने में खुला जवाब का स्वाद है। एकदम यम्मी यम्मी बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स ये हमारी रेसिपी। एकदम यूनिक है, इसको देर ना करते हुए जल्दी से ट्राई करें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।